जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 5 पेड़े 11 लोम ये भोग माता काली को इस तरह से लगा देना जैसे मैं बताऊंगी। अपने घर में आपको ये भोग माता काली को लगाना है। रात में ही माता काली आपके पास आएगी आपसे बात करने, और माता काली किस रूप में आपके पास आएगी बात करने वो भी बताऊँगी। लेकिन आपको ये भोग अपने घर में किस तरह से माता काली को चढ़ाना है, किस समय चढ़ाना है और कौन से दिन चढ़ाना है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, 2 लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी काली माता के भक्त हैं जो माता काली को बुलाना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, तो उन सभी भक्तों के लिए ये एक उपाय है जो कि माता को उनका प्रिय भोग आपको अपने घर में लगाना है। अनटोके अगर ये भोग आप माता काली को अपने घर में लगा देंगे, अपने घर के मंदिर में, तो रात में ही माता काली आपके पास आएगी आपसे बात करने के लिए। लेकिन इस कार्य को आप लोग तब करना जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो माँ काली से बात करनी हो अर्जेंट में, और इस कार्य को जो गुरुमुख हैं वो भी कर सकते हैं और जो गुरुमुख नहीं हैं वो लोग भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ आपको किस तरह से माता काली को अपने घर के मंदिर में ये भोग लगाना है उन्हें बुलाने के लिए और उनसे बात करने के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, शनिवार वाले दिन या फिर मंगलवार वाले दिन, इन 2 दिनों में से आप माता को ये भोग लगाएं। जो भी दिन आपको सही लगे मंगल का शनि का, तो आप उसी दिन माता काली को ये भोग लगाएं। और ये भोग आपको रात्रि 12 बजे करीब करेक्ट भोग लगाना होगा। और लगाना कैसे है, जैसे 4 कपूर ले लिया आपने, ठीक है, 4 कपूर को अपने घर के मंदिर में जलाओ, 4 कपूर जला के, और 5 पेड़े आपको लेके आने हैं दुकान से, सफ़ेद वाले, जो सफ़ेद पेड़े होते हैं वही माता काली को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो 5 पेड़े आपको पहले ही लेके आने हैं, जिस दिन आप ये उपाय करेंगे, ये कार्य करेंगे, उसी दिन आप पेड़े लगा के रख लेंगे, क्योंकि आपको उसी समय नहीं चढ़ाना, आपको रात्रि 12 बजे माता काली को अनटोके ये भोग लगाना है। 5 सफ़ेद पेड़े और 11 लौंग साबुत, 11 लौंग आपको साबुत लेनी है जो फूल वाली होती है, वही लौंग लेना आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं होता, वो लौंग भी देवी देवता को चढ़ा देते हैं, जिससे कि देवी देवता उसका भोग स्वीकार करते ही नहीं है और ना ही उसकी पूजा पाठ स्वीकार करते हैं। तो ये गलती ना करें, लौंग आपको बिल्कुल साबुत ले लेनी है 11, ठीक है। रात्रि 12 बजे जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही तुरंत अपने घर के मंदिर में आपको जोत नहीं जलानी, कुछ नहीं जलाना, सिंपल भोग देना है बस। आपको ये मत सोचना कि पहले जोत जला रहे हैं फिर उसके बाद धूप बत्ती लगा रहे फिर आप ये भोग चढ़ा रहे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बस करना क्या है, जैसे ही 12 बजते हैं अंटों के सारा सामान मंदिर में रख लें पहले ही लाके, जिस दिन आप ये कार्य करेंगे उस समय शाम को ये सामान लाके अपने मंदिर में रख दें। जैसे ही रात को 12 बजते हैं मुंह हाथ धो के अच्छे तरह से, और जिस टाइम ये कार्य करेंगे उस टाइम आपको मीट मछली कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपने घर के मंदिर में 4 कपूर रखने हैं, 4 कपूर को आपको जला देना है माँ काली का नाम लेके, अपने गुरु का नाम लेके, अगर गुरु है, नहीं है गुरु तो माता काली का ही नाम लें, उन्हीं को गुरु माने। कपूर को जला के सबसे पहले 2 लौंग अपने गुरु के नाम की दें, अगर आपका गुरु है तो उनके नाम की दें, नहीं भी है तो माँ काली को गुरु मान के माँ काली के नाम की सबसे पहले 2 लौंग का जोड़ा चढ़ा दें, ठीक है। ये चढ़ाने के बाद आपको 5 पेड़े में से भोग माता को चढ़ाना है, 5 पेड़ों में आपको 2-2 लौंग लगाने हैं जोड़े के साथ, ठीक है। 5 पेड़ों में 2-2 लौंग लगा के, और लौंग की तरफ से पेड़ा तोड़ के आपको, मतलब 5 पेड़ों में से आधे आधे पेड़ तोड़ने हैं आपको लौंग की तरफ से, जहाँ आपने पेड़े में लौंग लगाई है, और वहीं से तोड़ के सीधा आपको माता को कपूर के ऊपर भोग लगाना है माँ काली का नाम लेके। तो अब जो आपने 11 लौंग ली है वो 11 लौंग आपको
सभी देवियों के नाम लेके आपको रख, अगर सभी देवियों के नाम पता है तो ले लें, अगर नहीं पता है सब देवियों के नाम तो आप एक हाथ सब साथ कर दें और गलती चलती क्षमा करें माँ काली, और ये जो भी भोग मैं आपको दे रहा हूँ इसे मंजूर कीजिए, और 11 लौंग सभी देवियों के नाम की, ठीक है। और ये आपको 11 लौंग भी उसी में डाल देने कपूर पे, इस तरह से आपको ये भोग लगाना है, और रात को आपको ये कार्य करके सो जाना है। जैसे ही आप सोएंगे तुरंत माता काली आपके पास आएगी, और वो भी माता काली आपके पास एक कन्या रूप में आएगी, या तो एक औरत के रूप में आएगी या फिर एक बूढ़ी औरत के रूप में आएगी। इन तीन रूपों में आएगी माता काली, आके आपसे बात करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है पूछेगी, आपको सब कुछ बताना है, और उसका रास्ता आपको स्वयं माता काली दिखाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें, खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माता काली, ओम नमः।